पता नहीं यारो ये गूगल मैप कहाँ ले आया उदयपुर के इस गांव में। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम उदयपुर। आज मेरा है यहाँ पे डे टू, तो आप लोगों ने मेरा कल का व्लॉग देखा ही होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ ऊपर स्क्रीन पे लिंक आ रही होगी, तो पहले मेरा कल का व्लॉग देखो, फिर मेरा आज का व्लॉग देखो। तो सीरीज़ है मेरी ये राजस्थान माउंट आबू की और उदयपुर की। सो गाइस, मैं हो गया हूँ आज के लिए रेडी और मेरा ब्रेकफास्ट आ गया है। तो मैंने आज सेम ब्रेकफास्ट मंगाया है जो मैंने कल मंगाया था, क्योंकि मेरे को कल वाला ब्रेकफास्ट अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा कि आज भी सेम ब्रेकफास्ट मंगा लेते हैं। वही चाय है, मेरा ब्रेड सैंडविच है, बटर सैंडविच और पोहा। मैं सोच रहा था कि थोड़ा टाइम बचेगा, अगर काफ़ी लेट हो गया हो तो जल्दी निकल जाऊँ, तो पहले साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं हम और आपसे बातें भी करते हैं। तो अभी मैं सबसे पहले जा रहा हूँ, मैं जाऊँगा एकलिंग जी महाराज की मंदिर, एकलिंग जी शिव जी का मंदिर आई थी, उसके बाद मैं जाऊँगा नाथ द्वारा, उसके बाद मैं जाऊँगा चित्तौड़गढ़ फोर्ट और वहाँ से सीधा उदयपुर वापस अपना। और उसके बाद इवनिंग में मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे रोप वे वगैरह है, वहाँ सारी जगह घूमूँ, तो फिर मिलते हैं आपको ऑन द वे। तो यार अलग ही लेवल की फीलिंग है, देख रहे हो आप लोग, और सामने आ रही है टनल, देखते हैं कितनी लंबी टनल है। छोटी सी टनल है यार ये तो, लेकिन अलग ही मजा होता है टनल में, हमेशा जाओ अलग ही मजा आ रहा होता है आपको। अब व्यूज देखो यार, ऑसम। और ये है हमारी टनल, छोटी सी टनल। और ये टनल से बाहर निकलते हुए यार मौसम एक्चुअली बहुत ही प्यारा हो रहा है, सही बता रहा हूं सीरियसली यार। एकलिंग जी महाराज जाने का रास्ता बहुत ही सुंदर है। वैसे मेरे एक दोस्त ने सजेस्ट किया था मेरे को यहाँ जाने के लिए, जो कि उदयपुर का ही है, मैं कल रात आपको बता नहीं पाया। मेरा एक फ्रेंड है उदयपुर में जो मेरे से कल रात मिला था, उससे काफ़ी देर बातें हुई, घूमा फिरा उसके साथ थोड़ा बहुत, तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि आज जाओ उदयपुर में से बाहर निकलो और थोड़ा चित्तौड़गढ़ फोर्ट, एकलिंग जी महाराज का मंदिर, द्वारनाथन मंदिर, ये सारी चीज़ें उसने बोला कि जाओगे एक्सप्लोर करोगे तो मज़ा आएगा अलग ही लेवल का। बाकी वापस आके हम सिटी के अंदर तो घूम ही सकते हैं, तो उसने यही सजेस्ट किया, तो उसी के कहने पे मैं यहाँ जा रहा हूँ। और थैंक यू लक्ष्य भाई यार, आपने मुझे सजेस्ट किया, सही में मज़ा आ रहा है। दोस्तों मैंने वजह से बताया था कि श्रीनाथ जी के मंदिर में गया था तो बंद था, तो मैंने कोशिश करी थी मेन गेट से एंट्री करने की, बात करी थी पंडित जी से, तो उन्होंने कोरोना के चलते मंदिर बंद किया हुआ है, तो अंदर किसी को भी नहीं घुसने दिया जा रहा, तो फिर मैंने बाहर से ही दर्शन करके हाथ जोड़ के
और वापस आ गया। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है अभी आज की मेरे चित्तौड़गढ़ फोर्ट का। तो अभी मैं जा रहा हूँ चित्तौड़गढ़ फोर्ट, तो मिलते हैं सीधा चित्तौड़गढ़ फोर्ट पे। Hey guys, तो अभी मैं रुका हूँ चित्तौड़गढ़ से पहले, मतलब चित्तौड़गढ़ में पहुँच चुका हूँ। फोर्ट जाने से पहले मैं जितना लंच कर लिया जाए, आप लोगों को कल भी नहीं दिखाया था लंच मैंने क्या करा, थोड़ा बहुत चुकाया था। तो जो आज मैं जो खाना खा रहा हूँ आपको तो दिखा दूँ। तो अभी मैंने ऑर्डर किया है दाल फ्राई, बिरयानी एंड प्लेन रोटी विद फ्रूट रायता। तो अभी फटाफट से निपटाते हैं और फिर चलते हैं अपने चित्तौड़गढ़ फोर्ट को देखने के लिए, ठीक है? फटाफट से निपटाते हैं। तो गाइज जैसे कि आप देख रहे थे खाना खा रहा था मैं, तो खाना खा के मैं वहाँ से निकल गया हूँ। खाना बहुत ही अच्छा था, ढाबे का नाम ढाबा नहीं था बेसिकली, वो रेस्टोरेंट था, जय चित्तौड़गढ़ रेस्टोरेंट के नाम से था। तो जब भी चित्तौड़गढ़ आओ आप लोग इस रेस्टोरेंट को विजिट कर सकते हो। काफ़ी सही वेज खाना था, अच्छा लगा, घर जैसा खाना था बेसिकली। तो अब बिल्कुल अगले 5 मिनट में हम पहुंच जाएंगे चित्तौड़गढ़ के फोर्ट पे। अभी बेसिकली चित्तौड़गढ़ का फोर्ट स्टार्ट हो चुका है, उसकी बाउंड्रीज स्टार्ट हो चुकी हैं। ये आप जो जगह देख रहे हो ये चित्तौड़गढ़ की बाउंड्रीज ही हैं और हम उसी के अंडर चल रहे हैं। सामने लिखा जोरिस्तान, आपने सबसे पुरानी मूवी देखी हुई गाइड मूवी का गाना आज फिर जीने की तमन्ना फिर मरने का इरादा है, वो वैद्य रहमान यहाँ पर डांस किया था। गाइड इसके लिए मैं हिंदू राजा मुस्लिम राजा राज करते हुए ऋषि मुनि संत पंडित जो रहते हैं उनका रहने का ठिकाना ये था। इसे आश्रम भी कहा जाता है और मठ भी कहा जाता है। किसे? सामने वाले को। अच्छा, इस टेम्पल के अंदर आपको 3 मूर्ति देखने के लिए मिलती है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा का मंदिर पूरी इंडिया में एक ही जगह बना है पुष्कर के अंदर, या तो एक साथ ब्रह्मा विष्णु महेश पालने वाला मानने वाला बचाने वाला। इस मंदिर में इतना सुंदर मूर्ति है, मंदिर को नजर ना लगे तो नजर से बचने में काला पत्थर लगा, सामने ब्लैक स्टोन है, पिलर के बीच में देख लीजिए नीचे। और हर मूर्ति देख लीजिए आप डिस्ट्रॉय है। आई यहाँ से देखते हो तो 9 फुट का फेस दिखता है, लेडीज वगैरह आती है तो 9 फुट का विष्णु का फेस है, अंदर जाओगे तो ब्रह्मा फिर विष्णु फिर महेश तीनों अवतारों का फेस है। इस तालाब में पद्मिनी नहाने के लिए आती थी, उसका आना जाना एक टनल के द्वारा था, गुफा के द्वारा। गुफा को गवर्नमेंट ने अभी क्लोज कर दिया है। सामने 3 पिलर दिख रहे हैं आपको, पानी में डूबे हुए वहाँ पर गुफा आती है। रानी इस गुफा के द्वारा आती थी, इस तालाब में नहाती थी, सीधे चने पर शिव की पूजा करती रिटर्न चली जाती, उसका रोज का ये रूटीन था। इस तालाब का सीन अपने मांडा पुतक का सीन पद्मिनी मूवी और अभी नेट पर सर्च करते हैं चित्तौड़गढ़, तब आपको पूरा व्यू देखने को मिलता है। सामने वाला महल जो दिखता है वो उदय सिंह जो थे ना मांडा पुतक के पिता उदय सिंह, उनके सेनापति का महल है जिन्हें जेमल पत्ता के नाम से जाना जाता है। ये किले का बैक पार्ट ये राजाओं की खेती वाला पार्ट है। तो गाइस वी आर एट चित्तौड़गढ़ फोर्ट राइट नाउ। तो अभी हमने एक गाइड करा है, तो वो गाइड हमारी हेल्प कर रहा है कि ये किला इतना बड़ा है चित्तौड़गढ़ का कि हम अकेले इसमें घूम नहीं सकते, हाँ जरूरत पड़ती है गाइड की। तो ज़्यादा चार्जेस नहीं है, आई थिंक 50-100 रुपीज़ चार्ज करेंगे वो, तो उसमें हमारा सारा कवर फोर्ट करा देंगे, उसको पूरा की पूरा फोर्ट। तो अभी हम यहाँ जा रहे हैं पौंड है यहाँ पे तालाब जहाँ पे रानी पंद्रहवती नहाती थी उसकी तरफ। लंगूर तो यहाँ भर भर के हैं इतने सारे लंगूर और डॉग और लंगूर डॉग्स एंड लंगूर, इतने सारे लंगूर।
सो गाइज हेयर आई एम एट माई नेक्स्ट डेस्टिनेशन. इट इज़ दूध तलाई इन उदयपुर. ये दूध तलाई लेक है उदयपुर की, जो कि करनी माता मंदिर के पास है. और मेरी अगली डेस्टिनेशन होगी करनी माता मंदिर. इसका रात का व्यू अलग ही है, और साथ में जो फील आ रहा है ना, ठंडी हवा चल रही है और लेक में जो पानी है अलग से ही चमक रहा है रात के टाइम पे. आप देख पाओगे, मतलब मैं बता नहीं सकता कि कैमरे में सब कुछ अच्छे से शो हो रहा है नहीं हो रहा, बट फील जो है ना वो अलग आ रही है. मतलब ऑसम व्यू प्लस फीलिंग प्लस अभी जो मौसम है वो बहुत अच्छा हो रहा है. तो ये है दूध तलाई लेक. तो उदयपुर में इतनी सारी लेक्स हैं, किस किस लेक पे जाएं पता नहीं है, तो घूमते रहिए बस. हाय गाइस, तो अभी मैं पहुंच गया हूँ रोपवे पे, जहाँ से मैं रोपवे का यूज़ करके करनी माता के मंदिर जाऊँगा. आप आगे रोपवे देख सकते हैं, ये सारा रास्ता रोपवे का है. तो अभी मैं यहाँ जाने वाला हूँ, मैं बस टिकट लेने जा रहा हूँ. आपको आगे का रास्ता दिखाते हैं, लोग देख सकते हैं रोपवे आ रही है और हम इसी रोपवे में बैठ के जाएंगे आगे. कोई नहीं, अब भी आए तो कोई बुरा नहीं है, मज़े अभी भी आ रहे हैं. और ज़िंदगी में मज़े लेते रहना चाहिए, कभी भी लो, पहले लो, दिन में लो, रात में लो, लेते रहना चाहिए मज़े. जैसे कहें इट्स क्रेजी कि पूरी रोपवे में अकेला एक इंसान हूँ ऐसा जो रोपवे से अकेले जा रहा हूँ करनी माता के मंदिर पे. मेरे साथ रोपवे में ना मेरे वाले अपार्टमेंट में जो रोपवे है मेरा वाला, ना उसके पीछे दो और हैं, उसमें किसी में कोई सिंगल पर्सन नहीं है. रोपवे से मैं अकेला जा रहा हूँ, तो मेरा ऐसा पहला एक्सपीरियंस है. मजे उठाइए इन नज़ारों के, तो मैं तो देख के फुल ऑन फील ले रहा हूँ. ये है करनी माता का मंदिर. यहाँ पे आई थिंक कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है कुछ. तो गाइज मैं इतना लेट था कि करनी माता के दर्शन करने के तुरंत बाद गेट बंद कर दिया था. ये लगा लो कि ऑलमोस्ट पहुंच गया टाइम पे, तो रेड के दर्शन भी हो गए और यहाँ के व्यू का एक्सपीरियंस भी कर लिया. वैसे रोपवे तो आई थिंक 9 बजे तक खुला रहता है, 9 बजे तक की टाइमिंग है. तो कोई आना चाहे तो रोपवे पे 9 बजे से पहले आ सकता है. आई थिंक 8 बजे करीब आया, तो 1 घंटा आने जाने में यहाँ बैठ के इन्जॉय करने में कर सकता है. बाकी यहाँ से शहर का व्यू आप लोग देख सकते हो, पूरा की पूरा शहर दिख रहा है, चारों तरफ लाइट्स ही लाइट्स. आई थिंक बहुत ही ज़्यादा ऊँचे पॉइंट पे हैं. बैक टू द रूम. काफ़ी थक गया हूँ आज, काफ़ी घूमा हूँ. सबसे ज़्यादा तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट में काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ा मेरे को जगह जगह पे. तो अभी काफ़ी थकावट हो गई है, और कल सुबह मुझे माउंट आबू के लिए निकलना है. तो मैं सोच रहा हूँ कि सुबह जल्दी निकलूँ, तो जल्दी निकलने के लिए जल्दी सोना पड़ेगा. लेकिन इट्स ऑलरेडी 11:25, तो ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं. तो मैं सोच रहा हूँ कि सुबह 4:30-5 बजे निकल जाऊँ माउंट आबू के लिए, तो अभी जल्दी से सोना पड़ेगा. तो डेट्स इट फॉर द डे. सो मैं यहीं पे ब्लॉग एंड करने वाला हूँ. एंड गाइस, आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो. अगर मेरा कंटेंट पसंद आया है तो फैला दो यार वीडियो, अपने दोस्त को, अपने दोस्त के दोस्त को, कलीग को, फ्रेंड को, भाई को, बहन को, हर किसी को पकड़ पकड़ के लाइक करवाओ, शेयर कराओ, कमेंट कराओ, और सब्सक्राइब कराना तो भूलना ही मत. चलो गाइस, थैंक यू फॉर द डे एंड थैंक्स फॉर मेकिंग योर पार्ट ऑफ द डे. थैंक यू सो मच. बाय बाय.